गुरुवार को अलग अलग दुर्घटनाओं में दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें थाना हाईवे क्षेत्र के अंतर्गत सलेमपुर में उस वक्त एक हादसा हो गया जब 25 वर्षीय अनिल पुत्र खजान सिंह समरसेबल का स्टार्टर चालू कर रहा था कि तभी स्टार्टर में विद्युत करंट आ गया और विद्युत करंट की चपेट में आकर अनिल की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना को देख परिवार में कोहराम मच गया और आनंद फानंद में अस्पताल ले गए, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना इलाका पुलिस को दी गई तो इलाका पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और सबका पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना को लेकर जानकारी देते हुए मृतका के चाचा ने बताया कि 25 वर्षीय अनिल दो बच्चों का पिता है और गुरुवार को समरसेबल चला रहा था कि तभी विद्युत करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगत सिंह। भगत सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गांव सलेमपुर सौक रोड पे। तो मृतक का क्या नाम है और क्या हुआ था इसके? मृतक मेरा भाई है, चाचा जी का बेटा है, भाई है। और सुबह लगभग 6 बजे के आसपास चारा काटने के लिए जा रहा था और बच्चे ने कहा कि समर सेबिल चला दो, वो समर वमर चलाइए। तो वहाँ में कहीं बारिश की भीग तो रहे ही है, सब जगह सीलन है, तो वो समर वमर चलाइए तो वहाँ में करंट आ रहा, तो करंट की वजह से मौके पर दम तोड़ दिया। तो हॉस्पिटल ले गए? नहीं, हॉस्पिटल तो ले गए थे पर मतलब डॉक्टरों ने मना कर दिया। कई हॉस्पिटलों में शादी हो चुकी थी? हाँ, शादी हो गई, दो उस पर बच्चे हैं छोटे छोटे। हाँ, लापरवाही तो बिजली विभाग की रही है, फिर बरसात की वजह से। अब क्या माने, समय ही मानो, लापरवाही बिजली विभाग की, वो अपनी निजी समर थी। हाँ, खेत पे बना रखा है मकान, खेत पे मकान बना रखा है माइनर के किनारे, तो उस पर अपनी समर ले गई हुई है। उस पर उसके पास कनेक्शन था, सरकारी कनेक्शन ऑथराइज, और उसको समर चलाने के उसमें करंट आ गया। वहीं गुरुवार की बीती रात थाना नौजील क्षेत्र के अंतर्गत बरोट में ईको सवार ने 28 वर्षीय युवक में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना की सूचना जब परिजनों को लगी तो परिवारजन घायल युवक को उपचार के लिए एक निजी हॉस्पिटल में ले गए, लेकिन युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बारे में जानकारी देते हुए मृतक के परिजन ने बताया कि 28 वर्षीय प्रदीप खेत पर जा रहा था कि तभी तेज गति से आ रही ईको सवार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें प्रदीप गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। क्या नाम है आपका? हरिओम। कहाँ के रहने वाले? बरोट। क्या हादसा हुआ था और क्या नाम है? प्रदीप कुमार। एक्सीडेंट में जो अपने रखवारी के लिए रात को खेत पे रहता था, वो पानी के लिए आया था, वहाँ से वो पानी लेके जा रहा था, पानी लेने के लिए आ रहा सड़क पर, नल से पैदल गया की टक्कर मारी ईको गाड़ी से आए हैं वो। तो मौके पर मौत हो गई थी? हाँ, मौके पर। घटना कब हुई थी? घटना रात 11 बजे। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा, हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार के सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयां, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। आज मुस्कुराना है, सर दर्द छुपाना है, आज मुस्कुराना है। सर दर्द छुपाओ नहीं, मिटाओ। न्यू सैराडॉन, इसका ट्रिपल एक्शन फॉर्मूला काम शुरू करे सिर्फ 5 मिनट में। अरे जिसको देखो दे रहे हैं लोन लोन लोन, और इसको उसको सबको चाहिए लोन लोन लोन। अरे लोन पर लोन, ये कौन सा ऐसे लोन? कभी सही इंटरेस्ट तो बोल, कई छुपी शर्तों का झोल। अरे स्टॉप, अब हर सपना होगा पूरा जो तेरा है अधूरा, और IIFL फाइनेंस पे है मेरा भरोसा पूरा। गोल्ड से लेकर बिजनेस, पर्सनल से लेकर होम, हर जरूरत को मिलेगा लोन। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात। मेहरबान, कदरदान, साहिबान, ये है IIFL फाइनेंस का गोल्ड लोन मेला मेरी जान। यहाँ जो भी आएगा छप्पन फाड़ के ले जाएगा, यही है सीधी बात जनाब। सिर्फ गोल्ड लोन नहीं, एक नई कार या कुछ और भी शानदार ले जाएगा। आ गया है IIFL फाइनेंस गोल्ड लोन मेला।
क्योंकि यहाँ सिर्फ गोल्ड लोन नहीं खुशियाँ बढ़ती है। IIFL Finance करता है सीधी बात। IIFL Finance presents IIFL Secured Bonds 2023 with an effective yield of 9% per annum. Multiple tenure options. High degree of safety. Monthly, annually and cumulative interest options. Issue closes on June 22, 2023. Hurry now. Subscribe today to IIFL Bonds 2023. Visit IIFL.com/bonds.